नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन कराए हुए हैं, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। और जो बच्चा इस वीडियो पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो हमें निकालना है एंगल पी ओ ए कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक सर्किल। हमने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल पर बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं, बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी, यानी कि हमने यहां पे स्पर्श रेखाएं खींची ए और बी, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी है। ये जो एंगल है 80 डिग्री दे रखा है हमें, तो हमें निकालना है एंगल पी ओ ए। ये वृत्त का केंद्र है, इनको त्रिज्या को आपस में मिलाया, ये इसको ओ नाम दिया, हमें निकालना है पी ओ ए एंगल पी ओ ए, इसको आपस में हम मिला लेंगे। हमें एंगल फाइंड करना है। ये एक बार फिर देखें, यदि एक बिंदु पी से यहां से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है तो हमें निकालना है पी ओ ए, पी ओ ए हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज है, पर मैं नंबर 10.1 से आप देख सकते हो। हमें ये एंगल फाइंड करना है, हमें प्रूफ फाइंड क्या करना है, एंगल पी ओ ए ये हमें फाइंड करना है एंगल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी में, समकोण त्रिभुज में हमने लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री पर मे नंबर 10.1 से। अब हम यहां से हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए पी ओ या फिर ओ पी ए, एंगल ओ पी ए ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल आपस में 40-40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है इस एंगल को समद्विभाजित करती है, इस एंगल को समद्विभाजित करती है, तो ये 40 का हो जाएगा और ये भी 40 का, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 40 डिग्री कोण सम द्विभाजक द्वारा। अब एंगल हमें फाइंड करना है तीसरा, यानी कि एंगल पी ओ ए हमें फाइंड करना है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, तो तीनों कोणों को लिख लेते हैं हम, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं इनकी कर्व से, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 40 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है पी ओ ए बराबर 180, इनका सम करेंगे ये 130 हो जाएगा प्लस एंगल पी ओ ए बराबर 180, एंगल पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो डालने पर आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।